नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको ये दो चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है। जब भी तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए जाते हैं, अगर दोस्तों तत्काल टिकट बुक हो जाता है या नहीं भी बुक होता है तो उसमें क्या होता है, दो ऐसी गलती होती है जो आमतौर पर दोस्तों लोग करते हैं जिसके वजह से उनका रिफंड नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों का दोस्तों केस होता है कि उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से उनका जो रिफंड होता है तत्काल टिकट में नहीं आ पाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि तत्काल टिकट को लेकर दो ऐसी गलती क्या होती है जो आपको कभी नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं पहली मिस्टेक की। तो पहला मिस्टेक इसमें यह होता है कि तत्काल टिकट वेटिंग निकलने के बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आपका तत्काल टिकट वेटिंग निकल जाता है, चाहे वो कितना भी वेटिंग हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी वेटिंग निकल गया, आप अगर उस टिकट को कैंसिल नहीं करते हैं तो वह टिकट जो है ऑटोमेटिक कैंसिल होकर रिफंड की प्रोसेस में चला जाता है। लेकिन अगर आप खुद से उस टिकट को कैंसिल करने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका तत्काल टिकट में वेटिंग निकल गया और आपको यात्रा नहीं करना है, आपको कन्फर्म टिकट ही चाहिए, आप डाउट में है टिकट कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, तो आप टिकट कैंसिल करने के लिए जाते हैं। तो जब भी आप टिकट कैंसिल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपने टिकट की करंट पीएनआर स्टेटस को जरूर चेक कर लेना है। उससे क्या होगा कि कहीं आपका टिकट कंफर्म तो नहीं हो गया। जब भी आप उस वेटिंग टिकट को कैंसिल करने के लिए जाते हैं तो एक बार जरूर अपने करंट स्टेटस को चेक कर लें। चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप वेटिंग समझ के उसको कैंसिल करने के लिए जा रहे हैं और वह टिकट कहीं कन्फर्म हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप ये गलती करेंगे कि मेरा टिकट तो वेटिंग है और मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो आप जब कैंसिल करने के लिए जाएंगे टिकट तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 0 रुपया मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपने करंट स्टेटस को जरूर चेक कर लें जिससे आपको पता चल सके कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या वेटिंग में ही है, तो उसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अब दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। दूसरा मिस्टेक ये होता है कि जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं और वह टिकट कन्फर्म हो जाता है पार्शियल कैंसिलेशन को लेकर। अब पार्शियल कैंसिलेशन क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि आपने 4-5 टिकट को एक साथ काल में बुक किया और वह मान लीजिए आपका 1, 2, 3, 4 वेटिंग निकला, या तो दो बंदे का कंफर्म, दो बंदे का वेटिंग निकला, तो ऐसे में टिकट अपने आप कैंसिल कभी नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दो टिकट जो कंफर्म है वो तो कंफर्म रहेगा और दो टिकट जो वेटिंग है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी एक पीएनआर नंबर पे 4 टिकट जनरेट हुआ है तो आपका 2 टिकट कंफर्म है तो 2 वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए आपको TDR फाइल करनी होगी। अब वो TDR फाइल कैसे करते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो TDR फाइल से रिलेटेड है जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से आप TDR फाइल करके अपने रिफंड को ले सकते हैं। तो जब भी कभी आप तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए जाते हैं तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए। इसमें होता क्या है कि जब भी आप तत्काल टिकट को बुक करते हैं और आप यात्रा करने वाले होते हैं तो आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कर दीजिए जिससे दोस्तों उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।